ओ मेरे पुत्र मैं प्यारे बहु मेरे कसम ना मैं अपने ओ तेन के वजह हो खलोती है आ ढगी वास्ते ही मैं बहु तंग ए खुद बहन नहीं मरन दी अपने साई नी अको लै तेरे बिच अड़बम दी ढगी ए मेरे बिरा च मैं दिती हूं दिल तो मेरा जाओ जब वो तजा बनना बड़ा दलीर ओए हाल मलंगी चलो सवानी देखो मिन्नत कर ओ नाक चाह बना चलो मलंगी ओए हाँ मूं दर्द खाती जाती है त्रिकल नोया पिया ओए मेरे अल्लाह ओ मेरे अल्लाह मेरी जान उलाद चल दी तो ओए आइए ओ मेरा पोत्रो ओ बलाओ भी ओ बलाओ भी ओ मेरी कंड का सहा निकल गया है मैंने गट जा दे चा ओ मेरा विरा आया ही सकूलू ए जड़े दुआ ते मैनु बवा बवा के तंग आ कीता ई तू ते मेरे मगरू नहीं लांदा कि मैं मेरी जान ता छोड़या असि जट लोग बंदे आ जो हुन तैनू मैं किवें गैस लवा देवा मैं बहणी ते बैठा मैं तन गैस लवा देवा मैं ते फस गई हां मलंगी तेरे नाल शादी करके मैं ते फस गई हां अच्छा मेरा अल्लाह दिखे बहन औलाद फिर वेख ला ओ फिरा नु सद लिया औलाद ही नहीं खट्टू है सारा ते बैठे रहंदे अम्मी रोटी बना दे अम्मी चा ओ छोरा जी अब्बा अब्बा आए हो सुनो टोटा जमीन मार जमाल नु जान जी हां जी उस तो आज रत्ती गां है जी जी उस मैं दित्ती है मेरा पुत्र मैं मारी जावना तो 50,000 ओदा रंद ये लाजमी मार जमाल नु मैं ले ली सा देवना लेना नहीं अच्छा शौका पूरिया मलंगी मरदा मर जासी पुत्रां दी शौका पूरिया करे सी सारिया शौका पूरिया कर मेरी जान छोड़ किवे बैठे एक मिनट वास्ते नहीं रहना चाहंदी ना लड़ाइयां कीतियां करो मैं कोई नहीं रहना देखे ना जी लड़ाई लड़दी है तेरी मां मेरे पल्ले को रह गया है बुजुर्ग हो गया है तो मैं तुहाडिया मेरा पुत्र शौका पूरिया करेंदा पिया बुजुर्ग हो गया मेरी कहारी वास्ते अम्मा पितरेर हूं यू पितरेर ए ना लड़ी कर पितरेर नु बड़ा सुख ते आ बवाए मर्जी वाले हुन देख अम्मा आ बैठी है अबे गुना लड़ी कर चुप अब तू भाग में गियो ना असियन पका के दे ली ओ आइजे आ जा मैंने मेरा उठी चलोगे इस ते नाल मेरे मगरू लाए मर्जी आलिया भलो भी पितरे रहूं ते मां प्यो दी शादी आई हां उन्हें आख्या शौक नाल पितरे लाए देने शौक नाल लई आई है तो सुख नाल बवावे आ बस मलंगी मैं तेरे को होर नहीं चाहती मेरी जान छोड़ मैं तलाक दे बस मैं तलाक लैनी तू चुप कर खलो मैं इत्थे बड़ा तंग आ ते तू चाह मंगी तू शुरू गल्लां ते होगी मैं अपने विराह को वग जाना मगरू ला ना बस मैं उसे को जाके चाप दे विराह रवणे जी दे मर्जी वान बस मेरी जान छोड़ भलो अभी मैं तन की आखना मैं तेरा पितरे लड़ना को नहीं की मैं तेरी मर्जी है कर मगरू ला खान चंबड़े होया कदी ते मेरी अस तू जान छुट सी अम्मा ना लड़ाई करे आ ते ओ चाह दा घुट पीक वग जावे आ मेरा पुत्र मैं रज्जी बैठी हां ए तो मैं नहीं छड़ेंदा पिया ना आज मैं वहीं दी पिया तेरे मामिया कोल मैं तो जान छुड़ावनी तेरे पियो कोल नहीं तुसी यही ना करो सोना निजाम चलता पिया ही ते चलन दे हो आते नहीं करो तुम्हारे मामे चंगे भले हैं ना जी ओ तो सामने मेरे ले चलो दो नहीं ऐसा अब नाली रहना ए देखो लो कोई शरा है गई नहीं बाकी ए तो बकाया पल्ले कई बच्ची वदी नहीं बस मैं तो हूं तंग हो गई मेरे पार तो खा मैं ना पीवन भलो अभी गल तो सुन हां के सुना तेरीया मैं तेरे नाल बहुत सोहना गुजारा करेंदा पिया तू तेज तराजी बड़ी है
अपने बच्चे लाके वही पी तू रा चलो वैसे कौसर बेगम मैं तेन आंदा हम ना मेरी जेडी दी है ना सारा चंगा भला हर शाय घर बेचारा मेहनती जे वो साडा इतना अदब करे मेनु दस दिन रोला की बस अबू मैं नहीं राणा हेखी तेन आख्या ना कितने उस दिन लूड़ प्यार नाल घर रखा कदी उस तेने लड़ाई नहीं की हालांकि तू कर भी लेनी लड़ाई झगड़ा तो माड़ा चुप कर विंदा बस अम्मी मैं तलाक लैनी है बस ना तलाक तू लैनी दो तेरे को बच्चे हो गए तू तलाक लैनी बस अम्मी मैं तेन आख दी तेना मैं तलाक लैनी तलाक दा लफ्ज तू मुंह चू कढ़ेंदी किस तरह पई है सारी उम्र तू तलाकी हो सदवाऊ है निक्के निक्के तेरे बाल ने कोई शर्म कर कोई हया कर इनू समझा अब मेरा गुजारा नहीं होंदा ना तंगी की है सन तां तू दस असी कोई मर गए बस मेरा ओ, तेरे ना लड़ाई झगड़ा करता ते सी तेरी तलाक लेंदे भी सोने लगदे असि किवें ओनु आके बे तलाक दे बस अम्मी मैं तलाक लेनी ने मेरा गुजारा भाई तलाक 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 का वजह ता होवे ना ना अबू असि भी बहुत समझाया अम्मी ने अम्मी नहीं समझदे पर तुसी कोई समझाओ ना मैनु लगदा है कौसर एदे सिरे हराम चढ़या जा समझा इनु अंदर इसनु कोई है सही रोला जिस दी वजह तो ए किसे दी कन्नी चली मैं पूछ के आंदी हां और छलदा रब दा जेड़ा जेड़ी समाणी तलाक होवे जा जेड़ा कोई तलाक दे तलाक दा ना सुन के बंदा डर दन ते इस नु है नहीं खौफ आंदा पिया तू जा मैं नो चपड़ चपड़ तलाक नु छु केड़ा कौन समझावना तू किवे तलाक ले सकदी बस अभी मैं तलाक दे आ हां मेरा पुत्र ए हुन की दे बस अबू मैं नहीं समझदी पई मेहनत मजदूरी करके उस तेन हर शायद कर दी तू हम मर्जी है तेरी तलाक ना लाए अदालत बस मैं आख्या ना चल ठीक है तू समय अदालत नहीं जावन देंदे अपने पिंड दा जागीरदार है मैं उस कोल चली जानी है बस मैं ओदे कोल जावना ते उन्हें मैं नहीं मैं तलाक लै के चंगा नहीं करंदी पई तू साडी इज्जत बस मैं जानदी पई हां तू सब खुश निक्के निक्के बालां नु वेख पियो मां दी इज्जत नु वेख आ जाओ मेरे पुत्र आ जाओ अच्छा गल सुनो जी तू सहन चलो जी ते मैं थोड़ी फोन करना मैं फोन करके ते आंदी अच्छा ठीक है ठीक है नदीम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹਲਾਬ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਇਹ ਦਾ ਸਾ ਬਾਲ ਦੋਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਧੱਖੁਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਲੂਮ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਤ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਸਦੈਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੁੜਾ ਸੀ ਇੰਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਸਦੈਨਾ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਨਨ ਬੜਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੂ ਆ ਜੀ ਹੈਲੋ
जी जी यार मलंगी एक बार मेरे डेरे से था जी। नंबरदार साहब आज के मैं साथ रहना जी, मैं अमदा पे आया यार। जल्दी यार फोड़ा मरेंदा वाला जी, मैं आया जल्दी आ साठ फोड़े नू। अच्छा जी मैं आ। मलंगी जी यार गाल इंजे मैंने अमदा शोरूम पे आया मलंगी जी जी जदा सामानी पुट्ठी हो जावे ना उदा हिको तरीका ही होंदा है जी। जेड़ी सामानी अपनी जबानी आग छड़ बे मैं अदालत चढ़ना है उस अदालत दी बिज़्ज़ती नालू ना तू इन फैसला दे। नंबरदार साहब तुसी साईं वसदे हो मैं तुहाडे कदमां दे विच वसना इंजे है मेरा कोई ए दे नाल गलत रवैया मैंने मारे होवे या मैंने कुटे होवे तुसी मैंने आप दस दे। ओ तेनू को मरेंदा कुटेंदा है दस तां सही ए ड्रामे ना कर बस मैं तेरे को तलाक मंगी ना मैनू देवनी है दे छोड़ नहीं देवनी तो बस मेरी जान छोड़ परा छोड़ परा तू इन फैसला दे। मैं है तो ना गल करनी करो मैंने कदा मिनट दे हो चा आ दो पोतरी मिनट दे हो चा चलो मैं इन्हें वेख तो लाई चल तू गल कर ला इन्हें ना दस मिनट मैं तुम दस मिनट तो बाद इन फैसला दे ठीक है जाओ लंबर साहब लंबरदार साहब मैं है के भी जानी हाँ वो मलंगी लै गया बालों पता नहीं उन्होंने घेड़िया हूँ पट्टियां पढ़ाइंदा पियो नहीं लड़िया है उन कोई ना फैसला मैं तेन लै दी लड़िया है कोई ना ठीक है मैं लड़ती कौन मैं अपने बच्चों का पता कर लवा मेरे को जेड़ा कुछ है वो तेरा है ते तेरे नीचे बिराज आए अपने बिराज का ख्याल रख और आ भी जा मलंगी यार मैं तुम्हारी वास्ते बैठा रहना मैं थोड़ा नौकर हां पापा के याद है ना चोर मेरा पुत्र नंबरदार से देंदा तू चोर और आ जा यार मैं तुम्हारी वास्ते बैठा रहना मलंगी यार आ भी जा मैं तेरी वास्ते बैठा हूं ऐसी दो बिराज खड़े बैठे हैं तुम्हारी वास्ते आ गया जी आ गया मलंगी जी मैं सा तुम्हारी इंतजार की ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਦੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ गल इंजे मलंगी तलाक दे माफ कर दे मलंगी मैनू माफ कर दे मेरे को गलती हो गई तेरे तो ज्यादा मेरे बच्चे नु कोई प्यार नहीं दे सकदा हुण मलंगी तो इत्थे फैसला मैं तो नंबरदार जी अगे ही कोई नहीं आ गया मैं अजी केड़ी ख्वाहिश नहीं पूरी कीती मेरा चन्ना वर्गा पोत्र मैं मेहनत मजदूरी करके मैं इन पालिया लिखाया पढ़ाया ओ मेरा निक्का पोत्र मेरा पोत्र रोल जासी निक्का ओ वेखे ने निक्का ही रंदा माफ कर देना बस हुन मैं तिनु आके नहीं देना गल सुने सी तेरे हाथ लग गई है प्यार कर सकदा तेरा हक भी बनदा है हुन इनु माफ कर ऐस औलाद दे सदके माफ कर दे मैं जी माफ कीता चलो तू रे मैं तो जान माफ कीता चल उठी छोरे उठी इंदे वास्ते जो गलती ना करी भाई ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਵੀਰਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਚੰਨ ਚੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਸ ਸੁੱਖ ਛੱਡੋ
मेहरबानी नंबर नहीं कैसे दे चढ़ गया से असली दो बहन ना मेरा पुत्र मैं जिंदा नहीं हूं। हेलो व्यूअर्स, आई एम हसन जिलानी, लेकिन ड्रामों में मेरा नाम दिलावर खान होता है। और ये यकीन कीजिए, जितने भी हम आपको ये प्ले दिखाते हैं करते हैं, उनमें से चंद ऐसे प्ले होते हैं जिनमें हम खुद इतना जज्बात में आ जाते हैं और ख़ुद इतना हम यानी कि उसका असर लेते हैं और मज़ा लेते हैं कि हम सेट्स के ऊपर भी हम सारे जो है ना वो इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। तो ये भी एक इस तरह का ही खूबसूरत प्ले था कि जिसमें ये दिखाया गया है कि ये जो ब्लाइंड कॉल आती हैं रॉन्ग नंबर पे, जो चंद जो गलत लोग हैं, गलत अनासिर हैं, मिस्टेंडे टाइप लोग जिनका कोई काम नहीं है, भून टाइप जो लोग हैं, तो वो ऐसे ही घर में बैठे बैठे वो कॉलिंग करते हैं। और घरों में जो शरीफ औरतें अपने बच्चों और अपने खाविंद के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, उनको वो सब्ज़ बाग दिखा कर उनको वो ऐसा अपना पाँव से उखेड़ते हैं कि वो, क्योंकि औरत को इतना वो ज़्यादा उसमें अकल शऊर नहीं होता, तो वो उनके उसमें प्यार में या इश्क में वो जो मसनू तौर पे कर रहे होते हैं उनमें आके वो अपने बच्चों को, अपने एक बेहतरीन जो शरीफ खामद है उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन वो पहले तो उनको हर तरह का झांसा देते हैं कि जी आएँ और ये करेंगे वो करेंगे इन्जॉय करेंगे, और जब अपने वो बच्चों को ले कर वो बिल्कुल अपने वो जो उसका जो उससे मसनू इश्क कर रहा था नदीम मलिक, तो जब उसको ये पता चलता है कि ये तो दो बच्चों को साथ ले कर आ रही, तो वो हैरान कौन मोड़ पे जाके कहता है कि जी मैं तो आपके बच्चों का मैंने ठेका शेका नहीं उठाया हुआ और ना ही मैंने आपके बच्चों से कोई इश्क किया या प्यार किया, मैंने तो तो उस वक्त उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी वो जो होती है अपना मानूर की, ये देखें ये जो कल तक मेरे लिए सुबह शाम दिन रात जागता था, कॉलिंग करता था, ये करूँगा वो करूँगा, तो अब मेरे बच्चों का ये ज़िम्मा नहीं लेना चाह रहा। तो बात चौधरी साहब तक जाती है, नंबरदार साहब तक, वो भी उसको समझाते हैं, तो अच्छा हुआ कि उसको बड़ा जल्दी अकल आ गया। और बच्चों ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, उन्होंने कहा कि हमारी माँ ही रॉन्ग है, गलत है, तो इस तरह उसकी जो उनकी माँ थी मानूर, उसको अकल आ गई और उसने अपने खामन के पाँव पे गिर के उससे माजरत की और उसे सॉरी की कि मैं बिल्कुल गलत थी और मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं आपके साथ और अपने बच्चों के साथ दोबारा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच व्यूअर, देखते रहिएगा यूट्यूब पर बाटा टी वी और पाकिस्तान।